हेलो गाइस, वेलकम टू BFT फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे थर्ड T20 मैच जो होने वाला है इंडिया वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन्स के बीच में। मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज इंडिया ऑलरेडी सीरीज को सील कर चुकी है लास्ट के दो मैच जीत के, तो ये मैच गाइस काफ़ी एक कह सकते हैं कांटे की टक्कर होगी बिकॉज अभी तक दोनों ही मैचेस में श्रीलंका ने जो इंटेंट दिखाया वो काफ़ी अच्छा है, चाहे वो पहले मैच में विद द बॉल हो दूसरे मैच में विद द बैट हो। तो मुझे लग रहा है कल के मैच जो होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। टाइमिंग गाइस मैच की रहेगी 2 बजे, ठीक है, 27 जून 2 बजे, 1:30 बजे इसका टॉस हो जाएगा। यहाँ से गाइस आप लोगों को मैं बता दूँ एक चीज़, अभी तक जो दो मैचेस हुए हैं इस वेन्यू के ऊपर उसमें देखो क्या हुआ है। पहला वाला मैच गाइस जो था उसमें पहली इनिंग में राइट आर्म ऑफ ब्रेक को 3 मिले थे विकेट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 1 और राइट आर्म फास्ट मीडियम को 2। यानी आपको टोटल अगर मैं समरी में बताऊं तो पहले मैच में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को मिले थे 4, पेसर्स को मिले थे 4 और यहाँ से राइट आर्म ऑफ ब्रेक को मिले थे 3। तो यानी यहाँ पर 7 विकेट मिले थे स्पिनर्स को और 4 विकेट मिले थे यहाँ से पेसर्स को। तो पहले मैच में भी पेसर्स आगे थे, वहीं दूसरे मैच में भी लगभग ऐसा ही कुछ हमें सेम देखने को मिला था। समरी में बताऊँ तो 5 विकेट मिले थे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को, 3 विकेट मिले थे राइट आर्म को और 2 विकेट यहाँ से मिले थे पेसर्स को। तो यानी यहाँ पर भी 8 विकेट पेसर्स को स्पिनर्स को मिले थे और 2 विकेट मिले थे स्पिनर्स को। तो स्पिनर्स यहाँ पर हमेशा आगे ही रहे दोनों मैच का अगर हम काउंट करें तो आपको यहाँ से देखने मिलेगा। 2 मैच में 9 विकेट ले गए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, 6 विकेट ले गए राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर और सिर्फ 6 विकेट मिले हैं यहाँ से पेसर्स को। 15 विकेट स्पिनर्स, 6 विकेट पेसर्स। तो ये शॉर्ट में इसका फॉर्म। तो यहाँ से आपको अपनी टीम्स में मैक्सिमम, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो श्रीलंका वुमेन्स के हो, आपके लिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स और राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में होते हैं दोनों ही टीम के, और जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है वो दोनों ही आपको बॉलिंग सेक्शन में मिलने वाले हैं। बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो देखो लास्ट मैच के अकॉर्डिंग शेफाली वर्मा ओपनिंग करती है स्मृति मंदाना के साथ, शबी ने मेघना देखी थी, उसके बाद हरमनप्रीत कौर ने ये बैटिंग ऑर्डर मुझे लग रहा है अपने लिए फिक्स कर लिया है T20 फॉर्मेट में। उसके बाद जैमी देखी थी, जैमी मार ऑटरेज, फिर यस्तिका भाटिया बिकॉज ऋचा घोष यहाँ से आउट हो गई थी, यस्तिका भाटिया इन हो गई थी, फिर यहाँ से पूजा वस्त्राकर जो कि राइट आर्म मीडियम में 4 ओवर कन्फर्म डालती है, दीप्ति शर्मा 2 से 3 ओवर कन्फर्म डालती है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, रेणुका सिंह राइट आर्म फास्ट मीडियम है इन ये लास्ट मैच में खेली थी, राधा यादव लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर और सिमरन दिल बहादुर ये लास्ट मैच में खेली थी राइट आर्म मीडियम है। अब लास्ट मैच में हुआ क्या था देखो, राजेश्वरी गायकवाड़ आउट हुई थी, ऋचा घोष आउट हुई थी। अब कल के मैच में गाइस क्या हो सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है बिकॉज इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है, अब आपको करना क्या है यहाँ से अपने प्लेयर्स को चांस देना है बिकॉज ODI के पहले आपको थोड़ा सा उनको ग्रूम करना है। तो कल के मैच में मुझे देखने मिल सकता है सिमरन दिल बहादुर आउट होगी और यहाँ से आएगा कौन, मेघना सिंह, राधा यादव आउट होगी और यहाँ से आएगा पूनम यादव। मैं 100% श्योर हूँ कल के मैच में ऐसा कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। राजेश्वरी ऑलरेडी पहला मैच खेल चुकी है तो राजेश्वरी को मुझे नहीं लग रहा है खिलाएंगे, यहाँ से पूनम यादव को मौका मिलेगा कल के मैच में, किसकी जगह, राधा यादव की जगह और सिमरन दिल बहादुर की जगह मेघना सिंह हमें देखने को मिलेगी कल के मैच में, ये पक्का श्योर हूँ मैं, ऐसा हो सकता है। टेलीग्राम के ऊपर जाना है, सर्च करना है यहाँ से @ टेलीग्राम के ऊपर डालोगे बेस्ट फैंटेसी टिप्स TIPSS, ये गाइज आपको डालना है, आपको गाइज हमारा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, ये गाइज हमारा लोगो है, फ्रेश है, मैंने अभी अपडेट किया है, तो आपको इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, आपको काफ़ी सारी वैल्यू यहाँ से मिलने वाली है। बात करते हैं यहाँ से गाइज इसकी श्रीलंका वुमेन्स की। तो देखो विश्मी गुणारत्ने हाईली टैलेंटेड प्लेयर, लास्ट मैच जो मैंने टीम दी थी उसमें भी मेरी टीम में थी, बस उस टीम में मैंने दीप्ति शर्मा को मिस कर दिया था बिकॉज हरमनप्रीत कौर ऊपर बैटिंग कर रही है और हर्षिता माधवी के चक्कर में मेरा वहाँ पर लॉस हो गया, अदरवाइज दीप्ति शर्मा आराम से फिट हो जाती। तो विश्मी गुणारत्ने का 16 साल की प्लेयर है, दोनों ही मैच में T20 के अभी मैंने इनको टीम में रखा है, ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन आपको जैसा बताया था। 16 साल की गाइस प्लेयर है, काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है, डोमेस्टिक लेवल पे इसने गाइस 150 बॉल में कुछ 400 कुछ रन किए हुए हैं, तो ये चीज़ हर कोई नहीं जानता, इस वजह से हम इनको टीम में रखते हैं। चमारी अतापतु बॉस लेडी हाईली टैलेंटेड, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, ठीक है। हर्षिता माधवी, कविशा दिलारी ये 3 ओवर डालती हैं, नीलाक्षी डी सिल्वा, एमा कंचना लास्ट मैच में खेली नहीं थी, अनुष्का संजीवनी दिखी थी, ओशाडी राणा सिंह राइट आर्म मीडियम फास्ट इंपॉर्टेंट 3 ओवर 4 ओवर डालती है, सुगंधी कुमारी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर 3 ओवर। जैसा देखो मैंने आप लोगों को लास्ट मैच में बताया था पाकिस्तान सीरीज में इकोनॉमिकल जारी थी काफ़ी, तो कल के मैच में इन्होंने 1 विकेट भी निकाला था। इनोका राणा वीरे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, इंपैक्टफुल है, 4 ओवर डालती है, उदेशिका प्रबोधनी लेफ्ट आर्म मीडियम 4 ओवर डालती है। बेंच पे गाइस कौन होगा, रश्मि डी सिल्वा, इसको गाइस चांस देना चाहिए, राइट आर्म पेसर है कल के मैच में और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती है, तो मुझे लग रहा है कल के मैच में इसको चांस देना चाहिए।
बात करते हैं इस वेन्यू के ऊपर परफॉर्मेंस की, तो देखो दो मैच खेले इंडिया वेमेंस ने, एक में पहले बैटिंग करी, एक में यहाँ पर चेस करा। शफाली ने 31 किया, एक विकेट निकाला, फिर यहाँ पे 17 किया। कल के मैच में सब लोग शफाली को कैप्टन बना के आ गए थे ये सोच के कि वो बॉलिंग फिर से कराएगी, कल के मैच में उसने बॉलिंग नहीं कराई थी। तो 17 किया बैटिंग से और 31 किया। स्मृति ने एक किया है और 39 किया। स्मृति मंदाना का जैसा मैं आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में भी कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के अगेंस्ट में स्मृति मंदाना का हमेशा दिक्कत हुई है, बिकॉज स्मृति जो है लेफ्ट हैंडेड बैटर है और श्रीलंका वेमेंस टीम में काफ़ी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है और सेम बंदी ने दो बार स्मृति मंदाना को आउट किया था। हालांकि लास्ट मैच में स्मृति मंदाना अच्छा खेल गई थी, उनको 39 कर दिया था। शब्बी ने नहीं मेघना पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 17, क्लासिक हिटर है लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा, बिकॉज गाइज ये जो वेन्यू है अगर आप लोग लाइव मैच देखते हो, मैं तो बॉल हर बॉल देखता हूँ पूरे 20-40 ओवर, तो आप देखोगे कि ये वेन्यू ऐसा है यहाँ पर गलतियाँ हो ही जाती हैं और वही गलतियों का खेल होता है पूरा। तो जब आप देखोगे बॉल किस तरीके से बैट पे आती है तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत स्मार्टली बैटिंग करनी है क्योंकि यहाँ पर लॉफ्ट इतना ईजिली होता नहीं है। बात करें हरमनप्रीत कौर की, तो देखो पहले मैच में 22 किया, दूसरे मैच में 31 करा, एक विकेट निकाला और बॉलिंग भी शायद ये नहीं कराती लेकिन किसी भी बॉलर को ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था इसलिए हरमनप्रीत कौर को बॉलिंग करानी पड़ी। जेमी मार ऑडरिज पहले मैच में 36 नॉट आउट, मेरी वाइस कैप्टन थी, दूसरे मैच में 3 रन किया। ऋचा घोष ने 11 किया था पहले मैच में, यस्तिका भाटिया ने लास्ट मैच में 13 किया हुआ है। पूजा वस्त्राकर ने इस वेन्यू पे 14 किया, एक विकेट निकाला, फिर लास्ट मैच में भी एक विकेट निकाला। दीप्ति शर्मा पहले मैच में 17 नॉट आउट, दूसरे मैच में 5 नॉट आउट, पहले मैच में एक विकेट, दूसरे मैच में 2 विकेट। लेकिन गाइस एक आप लोगों को बात बताऊं तो शर्मा जी लास्ट के मैच में विकेटलेस जाती, लेकिन श्रीलंका वेमेंस का वही है कि उनके जो मिडल ऑर्डर है वो बिल्कुल भी समझ लो 16-17 ओवर आपके हो गए हैं, अब आप लास्ट के 14 ओवर हो गए थे ऑलमोस्ट, अब आप लास्ट के 6 ओवर में 7 विकेट दे दो विदाउट किसी रन्स, अगर आप हिटिंग कर रहे हो और विकेट गिर जाए तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप टुक टुक कर रहे हो तो भी आपके विकेट गिर जाए तो समझ आता है कि यार आप डिफेंड भी नहीं कर पाए थोड़ा बहुत भी, तो ये गलती थी, इस वजह से दीप्ति शर्मा को विकेट भी मिले वहाँ पर। यहाँ से रेणुका सिंह की बात करें तो पहले मैच में विकेटलेस गई थी, दूसरे मैच में बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी कराई है और एक विकेट भी निकाला, मैं बॉल देख रहा था बंदी को कराते हुए तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। सिमरन बहादुर 2 ओवर कराए थे, विकेटलेस रही थी और पहला ओवर तो काफ़ी ज़्यादा महंगा गया था इनका। राधा यादव कंसिस्टेंटली पहले मैच में 2 विकेट, लास्ट मैच में 1 विकेट, हालांकि ओवर दोनों ही बार इनके काटे गए। राजेश्वरी गायकवाड़ ने पहला मैच खेला था, एक ही ओवर मिला था। बात करेगा इस यहाँ से इनके प्लेयर्स की, तो इस वेन्यू पे देखो विश्मी गुणारत ने स्मृति मंदाना वाला हाल हुआ, पहले मैच में 1 पे आउट हुई, फिर 45 किया। चमारी अतपतु पहले मैच में 2 ओवर डाले, एक विकेट निकाला और 16 रन किए थे, लास्ट मैच में 43 किया और 2 ओवर डाले, और अतपतु ने कहा अब नेक्स्ट मैच जो होगा उसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं ही सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दूँ ताकि मेरी जो टीम को ज़्यादा यहाँ से दिक्कत फेस करनी ना पड़े। तो आप समझ सकते हो कि ये थोड़ी ज़्यादा बॉलिंग करा सकती है और बैटिंग से तो फिर जानते हो वर्ल्ड क्लास बैटर है। इनकी टीम में दिक्कत क्या है, हर्षिता माधवी, चमारी अतपतु हर्षिता माधवी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं कि ये बैटिंग से अच्छा करेंगी लेकिन ये अभी तक वो परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाई। पहले मैच में 10 किया, दूसरे मैच में 9 किया। कविशा दिलारी ये भी सही है स्क्वाड में, टैलेंटेड बंदी है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, तो यहाँ से बॉलिंग भी कराती है बैटिंग भी कराती है। पहले मैच में 3 ओवर डाले, बैटिंग से 47 नॉट आउट किया, दूसरे मैच में बैटिंग से फ्लॉप हुई, 2 रन किया और 3 ओवर डाले तो विकेट भी इनको नहीं मिला। नीलाक्षी डी सिल्वा ये भी एवरेज है, 8 किया पहले मैच में, दूसरे मैच में 1 किया। एमा कंचना ने पहले मैच खेला था सिर्फ, 1 ओवर डाल के 11 रन किया था। सॉरी अनुष्का संजीवनी ने पहले मैच में 10 किया, दूसरे मैच में 8 नॉट आउट रही, काफ़ी नीचे आती है, इनसे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ओशाडी राणा सिंह पहले मैच में 3 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले, दूसरे मैच में 5 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले, तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिंग है ओशाडी राणा सिंह। सुगंधी कुमारी पहले मैच में 3 ओवर डाले, कोई विकेट नहीं मिला, लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था। इनोका रानावीरे और ओशाडी राणा सिंह दोनों इंप्रेसिंग है इस सीरीज, पहले मैच में 4 ओवर डाले इनोका रानावीरे ने, 3 विकेट निकाले थे, दूसरे मैच में 2 विकेट निकाले, कह सकते हो 2 मैच में 5 विकेट निकाले, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत अच्छी, उदयशिका प्रबोधनी ने एक मैच खेला, 4 ओवर यहाँ पे डाले हुए थे। बात करने का इस कुछ कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, तो देखो लास्ट मैच में आपको यही बताया था, फिर से पढ़ के बता देता हूँ, कौर का बिग टाइम बताया था कि भाई बंदी कभी भी टीम को सपोर्ट कर सकती है चाहे वो बैटिंग हो बॉलिंग हो, और लास्ट 2 मैच से यही फिनिश कर रही है, सॉरी लास्ट मैच में फिनिश करा था, पहले में तो जैमी और दीप्ति शर्मा ने फिनिश किया था।
दीप्ति शर्मा डिलीवर करती करती है जैसा बोला था, तो देखो विकेट से कुछ भी नहीं मिल रहा था, जहाँ वहाँ पर भी दीप्ति शर्मा ने दो विकेट निकाले। ठीक है, चमारी अतापतु क्लास है ही, तो बैटिंग से 43 करके गई। कविशा तिलारी, ओशाडी राणा सिंह, दोनों आपके लिए ग्रैंड लीग के पिक होंगे, अच्छे खासे कैप्टन वाइस कैप्टनसी के, स्मॉल लीग में रखना ज़रूर। स्मृति मंदाना कमबैक क्वीन, मैंने बोला था लास्ट मैच में, देखो 39 का परफॉर्मेंस आपको दिया, और भी अच्छा कर सकती थी। जेमी मारोट्रेज मेरी ट्रस्ट वाली प्लेयर थी, लेकिन लास्ट मैच में उतना अच्छा नहीं कर पाई, तो मुझे पता क्यों क्या उसका रीज़न लग रहा है, तो उसका रीज़न वही है कि कौर को यहाँ पर 3 नंबर पर नहीं आना चाहिए, लेकिन अब वो आ रही हैं और अच्छा भी कर रही हैं, तो हम उस पर ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। शेफाली का अब ज़्यादा एडवांटेज है, बॉलिंग भी कर रही है, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा पिक आपके लिए अच्छी रहेगी। देखो शेफाली बहुत क्लासिक हिटर है, लेकिन मैंने मैक्सिमम टाइम्स देखा है कि शेफाली फंस बहुत आसानी से जाती है, क्योंकि खेलती तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको फंसाना प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और इसको फंसा भी लेते हैं प्लेयर्स, तो यहाँ पर ये कुछ रॉन्ग शॉट्स खेल के आउट हो जाती है, तो ग्रैंड लीग में रख सकते हो। बात करते हैं गाइस यहाँ से ग्रैंड लीग के आपके कैप्टन वाइस कैप्टन और फुल टीम फॉर्मेशन की, तो देखो आप, उससे पहले आपको दिखाऊँ लास्ट मैच की मेरी गाइस ये टीम थी। अब इसमें दिक्कत क्या हो गई कि मैंने भाई ट्रस्ट करा कविशा दिलारी पर, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकती है, ऑफ ब्रेक स्पिनर है, तो ये गलती हो गई। अदरवाइज यहाँ पर मैं शर्मा जी को ले लेता तो ईजिली मेरी टीम विन कर जाती। ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन अच्छा था, राणा सिंह थी, राणा वीरा थी और राजा पक्षे थी, ये अपनी टीम की बात करेंगे। उससे पहले आपको लास्ट मैच की टीम दिखा देता हूँ, ये मेरी स्मॉल लीग की टीम थी जो कि हार गई थी, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं ऐसा आदमी हूँ नहीं जो छुपाता हूँ अपने रिजल्ट, तो आप अपनी टीम मेरी टीम देख सकते हो। इसमें एक दिक्कत क्या हो गई थी, मैंने कविशा दुलारी पे ट्रस्ट करा था उस मैच में, तो वही मेरी दिक्कत थी, अदरवाइज यहाँ पर शर्मा जी आराम से आ जाती। वस्त्राकर का एक विकेट जो था वो मुझे कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज मैं विश्मी गुणारत्ने को लिया था जिसने 59 पॉइंट्स मुझे दिए थे, तो ये दिक्कत हो गई। और यहाँ से एक ये हर्षिता माधवी वाली दिक्कत भी हो गई। स्मृति मंदाना को वैसे भी मुझे नहीं लेना था उस दिन टीम में, क्योंकि तो मुझे पता था फिर से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर कोई इनको फंसा लेगा, और वही हुआ, तो उनके 39 भी मेरे लिए मायने नहीं रखते अगर यहाँ से शर्मा जी मेरे पास होती तो ये थी दिक्कत। अदरवाइज़ और कोई इस टीम में दिक्कत नहीं थी। बात करते हैं कल के मैच की टीम की, तो गाइस ये मेरी 99.9% फाइनल टीम रहेगी कल के मैच में, बिकॉज कौर यहाँ पर 3 नंबर पे आ ही रही है बैटिंग करने, तो कौर भी आपके लिए मेरे लिए सबके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है। ठीक है, इसमें फिर से मैंने शर्मा जी को आउट किया है, बिकॉज यहाँ से फिर से मैंने हर्षिता माधवी को बैक किया है। अगर टीम इसको बैक करती है तो मैं भी इसको बैक करूँगा अपनी टीम में, मैं शर्मा जी को फिर से ड्रॉप करने का यहाँ से रिस्क लूँगा। और यहाँ से हो क्या सकता है, राधा यादव आउट हो सकती है जैसा मैंने आपको बताया, पूनम यादव आ सकती है, तो यहाँ से मेरी टीम में पूनम यादव रहेगी। और अगर एक बात और सुन लो, अगर मेघना सिंह खेलती है तो भाई फिर तो मैं हर्षिता माधवी को यहाँ से पक्का ड्रॉप करूँगा और यहाँ से मैं लूँगा मेघना सिंह को, बिकॉज मुझे पता है मेघना सिंह एक हाईली टैलेंटेड बॉलर है, तो मैं मेघना सिंह को ज़रूर लूँगा। ठीक है, तो ये मेरी टीम हो सकती है यहाँ से। और अगर देखूँगा मैं, मन हुआ तो शब्बी नैनी मेघना को हटा के मैं स्मृति मंदाना को भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो शब्बी नैनी मेघना जिस लेवल की प्लेयर है वो अपना एक बार इंटरनेशनली भी दिखाना चाहिए उनको कि वो कितनी क्षमता रखती है, तो मैं चाहता हूँ शब्बी नैनी मेघना हार्ड हिटर है भाई, क्विक रन बनाती है, तो मैं चाहता हूँ कि बंदी कल के मैच में कुछ अच्छा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दे। तो अभी के लिए आप ये टीम को सेव करके रख सकते हो, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी कैप्टन वाइस कैप्टन लेकिन मेरे यही रहेंगे, तो अगर मैं आपको टेलीग्राम पर कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बताऊँ अपने, तो आप समझ जाना कि ये मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन क्या होंगे। तो गाइस आई होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो। टेलीग्राम चैनल आपको स्टार्टिंग में बताया किस तरीके से ज्वाइन करना है, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन का बेल जो है वो दबा देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो पे पता चल जाए। थैंक यू।